सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो बाकी आज फिलहाल मैं आया हूँ टाटा के कमर्शियल शोरूम के बाहर, जो कि फेयरडील मोटर्स आपको मिल जाता है नरवाल में। एंड यहाँ पे आज मैं कवर अप करने वाला हूँ, यहाँ पे टाटा का 610 SK टिपर, छोटे सेगमेंट में टिपर यहाँ पे मिल जाता है कमर्शियल व्हीकल में। क्या कुछ इसके फीचर्स वगैरह रहते हैं, प्राइसिंग क्या कुछ आपको इसकी जो है नए वाले की पड़ रही है, तो हर एक चीज़ आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे। तो जो जो इंटरेस्टेड है ऐसा टिपर लेने में, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये वीडियो रहने वाली है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और थिंग कि टिपर को पूरी अच्छी तरह से दिखाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। जो भी आपके भाई लोग जो हैं या आपके नियर वन में कोई भी अगर ऐसा टिपर लेना चाहता है तो उसको भी अच्छे से जानकारी इसके बारे में मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं टिपर के बारे में। तो ये 610 SK आपको यहाँ पर जो है टिपर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको इसका मॉडल यहाँ पर नंबर देखने को मिल जाता है। बाकी फेयरडील मोटर्स, तो ये फेयरडील मोटर्स का आपको जो है शोरूम मिल जाता है जो कि नरवाल में है, तो मेन हाईवे के जस्ट साथ में ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस के बारे में। तो जो इस गाड़ी का इस समय एक शोरूम प्राइस चल रहा है वो है 17,34,000 रुपये। तो बाकी का जो भी ऑन रोड प्राइस वगैरह है वो आप यहाँ इस शोरूम में विजिट करके आप इनसे जान सकते हो। तो आपको दिखाते हैं सबसे पहले गाड़ी। तो फ्रंट लुक में आपको गाड़ी कुछ इस तरीके की यहाँ देखने को मिलती है। तो गाड़ी में जो है कैबिन पहले से ही आपको जो है इस गाड़ी में मिलेगा, कुछ भी तैयार वगैरह करवाने की आपको बाहर से ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और अंदर भी कुछ ऐसे खास फीचर दिए हुए हैं जिसके बारे में हम आगे चल के जानेंगे। तो ये कुछ आपको ग्रिल वगैरह इसकी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कैबिन की शेप काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में है, काफ़ी हद तक ना 700 जो आपका 407 आता है ना उसके जैसा ही कैबिन इसका प्रोवाइड किया हुआ है, बट थोड़े बहुत डिफरेंस है जो अंदर जाके आपको दिखाएंगे। तो लाइट्स कुछ आपको यहाँ इस टाइप की मिल जाती हैं, तो हैलोजन में यहाँ पर लाइट आने वाली है। नीचे की ओर यहाँ पर आपको मेटल में बम्पर देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कुछ और, अगर आप यहाँ पे ऐड वगैरह करवाना है ना, नंबर प्लेट के लिए मेनली ये आपको यहाँ पे जगह दी हुई है। बाकी रिफ्लेक्टर्स वगैरह सामने यहाँ देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर पट्टी लगाई गई है। इस साइड पे साइड इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। फ्रंट में दो वाइपर बड़े बड़े देखने को मिल जाएंगे और साइड मिरर आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिए गए हैं। ये कुछ विंडशील्ड आपको बड़ा सा यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये है ओवरऑल फ्रंट से। अब वहीं पर हम साइड की बात करें तो साइड में कुछ आपको इस टाइप का यहाँ देखने को मिलेगा। तो दो ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं, ये 100 फुटी में आपको मिल जाता है और इससे भी बड़ा एक आता है जो कि 200 फुट की डाला रहता है, जिसका पीछे का जो भी बॉडी है वो 200 फुट की रहती है। तो सबसे पहले टायर की बात करें तो इसमें जो टायर की प्रोफाइल है, पहली बात तो JK टायर यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है और 7.5x16 का इसमें आपको जो है टायर यहाँ पर मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी कैबिन का हाइट भी काफ़ी बढ़िया है और डाला भी आपको एक बार जो है चेकआउट करवाता हूँ मैं। तो ये कुछ आपको जो है इसका डाला यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो और ये पूरा जो है हाइड्रोलिक डाला आता है, तो पूरा उठ के आपका जो है ये प्रॉपर जैसा टिपर में रहता है वैसा मिलेगा। तो इस साइड पर यहाँ पर आपको एड ब्लू टैंक यहाँ पर देखने को मिल जाता है जिसमें डीजल फिल्टर डाला जाता है। तो ये नई चीज़ है जो BS6 में आपको हर गाड़ी में यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पे डीजल टैंक आपको मिल जाता है जो कि 60 लीटर का इसमें रहने वाला है। और उसके साथ साथ पीछे के अगर सस्पेंशन की मैं बात करूँ तो लीफ स्प्रिंग का सस्पेंशन यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें जो है पट्टे कमानियाँ कुछ इस टाइप की यहाँ देखने को आपको मिल जाती हैं। बाकी पीछे जो है यहाँ पर 4 टायर आपको मिलेंगे। तो टिप्पर में क्या है कि लोड ज़्यादा रहता है, तो इसलिए पीछे जो है यहाँ पे 4 टायर दिए जाते हैं जिससे लोड जो है सहन कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाकी कलर स्कीम जो है काफ़ी अच्छी दी हुई है इसमें, आगे की ओर रेड है, पीछे की ओर येलो है, तो एक डिफरेंट लुक मिलता आपके मामूली से टिप्पर को। तो पहले तो सिंगल कलर में ही रहते थे, तो अब ये कंपनी ने अच्छा कर दिया है कि जो 2 कलर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब वहीं पर चलते हैं बैक साइड की ओर। तो बैक साइड पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर पट्टी आपको लाल कलर की देखने को मिल जाती है। और इस साइड पे यहाँ पे ये कुछ आपको लाइट्स वगैरह यहाँ देखने को मिलेंगी, इंडिकेटर, बैक लाइट और ये पार्किंग वाली है। बाकी हॉर्न वगैरह बैक साइड पे भी यहाँ पे लगाया गया है और ये आप प्रॉपर यहाँ देख सकते हैं, कुछ ऐसा सा पूरा रहता है। बाकी यहाँ पर नीचे मैट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस साइड पे आप लोगों को चेक करवाते हैं इसका स्टेपनी व्हील जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी काफ़ी अच्छी है, 210 से लेके 214 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको जो है मिल जाती है। बाकी ये कुछ बैटरी आपको एमरॉन की इसमें देखने को मिल जाएगी,
तो ये माइट भी जो है इसका जैक वगैरह उसके लिए यहाँ पे ये यूजफुल हो। तो बाकी चलते हैं इसके कैबिन में और कैबिन के अंदर बैठ के देखते हैं कि कैसा आपको कंफर्ट वगैरह इसमें मिल जाता है। एक चीज़ की और अगर मैं बात करूं तो इसमें जो इंजन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो 4S PCR इंजन प्रोवाइड किया जा रहा है जो 407 में आपको मिलता है, और जो पावर है वो भी आपको 98 हॉर्स पावर मिल जाती है 100 PS के करीब। तो इंजन और जो पावर है वो लगभग सेम ही है। टॉर्क इसमें जो है 300 Nm की आपको जो है मिलने वाली है, तो ये थोड़े बहुत नंबर आपको हाई मिल जाते हैं। बाकी तो लगभग ये 407 वाला ही सिस्टम इसमें प्रोवाइड किया गया है। बस इसमें जो यूनिक है वो आपको टिपर वाली बॉडी मिलती है और लिफ्टिंग जैक वगैरह पीछे जो है आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें थी, आई होप आपको जो है अच्छी लगी होंगी। खोलते हैं यहाँ पे कैबिन को। तो सबसे पहले आपको चेक कर रहा हूँ कैबिन का डोर, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी इसमें जो है आपको डोर मिल जाएगा। यहाँ पे टाटा की स्टील है तो भाई मजबूती तो होगी। तो यहाँ पे आपको ये कुछ पूरे डोर पे सिस्टम मिल जाता है। बॉटल यहाँ पे रखने के लिए भी जगह दी गई है, बाकी ये खोलने के लिए और विंडो अप डाउन करने के लिए यहाँ पे जगह मिल जाती है। यहाँ से आप इसको जो है आगे खोल भी सकते हो शीशे को हवा आने के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी ये कुछ आपको सीट दी गई है। इस सीट में दो चीज़ें अच्छी हैं कि आप इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं और थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है सीट की। बाकी अंदर भी बैठेंगे और आगे इसमें जो अच्छी बात है कि तीन बंदे मज़े से बैठ सकते हैं। और यहाँ पे बाकी आपको पूरा अच्छे से दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आपको जगह मिल जाती है अगर आप बीच में यहाँ पे कुछ रखना चाहते हैं टूल्स वगैरह तो यहाँ रख सकते हैं। बाकी ये कुछ आपको यहाँ पे जैक मिल जाता है पीछे जो पड़ा हुआ है इसके, और ये आपको जो इसके पैडल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अंदर चढ़ते हैं और आपको क्लोजली दिखाता हूँ अच्छे से। तो फिलहाल यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे कैबिन देखने को मिल जाएगा। तो डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सुधार दी है और कुछ नई चीज़ें भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे एसी तो नहीं है बट हवा इसमें से आती रहेगी जो कि अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे आपको म्यूज़िक सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, तो भाई ड्राइवर की पूरे एंटरटेनमेंट का भी यहाँ पे ध्यान रखा हुआ है, ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग वाला USB पोर्ट भी दिया गया है, तो फ़ोन वगैरह आप डायरेक्टली यहाँ से चार्ज कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको डीजल फिल्टर एंड इमरजेंसी बटन वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और पार्किंग लाइट के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं, और ये हेल्प वाला भी एक बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो माइट भी रोड साइड असिस्टेंट वगैरह के लिए ये रहता हो। तो ये आप बाकी यहाँ पे देख सकते हो, लॉक वाला आपको यहाँ पे जो ग्लव बॉक्स मिल जाता है, हैंडल दोनों साइड पे दिए गए हैं, और ये सनशेड आपको प्रॉपर मिल जाएगा। यहाँ पे स्पीकर आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाते हैं, और ये पीछे डाला उठाने के लिए यहाँ पे आपको जो है बटन दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी 4x2 में ही आता है ये, और ये कुछ आपको जो है इसका यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल पैनल देखने को मिल जाता है, तो जिसे आपको एक बार लाइट अप करके दिखाते हैं। तो ये इसका इंस्ट्रूमेंटल पैनल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कुछ इस टाइप में यहाँ देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बैटरी की वोल्टेज, टाइम मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पीड मीटर मिल जाता है, RPM यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, फ्यूल का यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई हुई हैं, और यहाँ पे आपको माइलेज वगैरह भी प्रॉपर देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल सब कुछ ही यहाँ पे आपको अच्छे से दिखा दिया गया है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी इस साइड पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, और इस साइड पे आपको लाइट के कंट्रोल वगैरह देखने को मिलेंगे। तो कैबिन वाइज तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे कैबिन में जगह भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बैठने के बाद भी आप काफ़ी सारा सामान यहाँ पे बैक साइड पे रख सकते हो, एंड गियर लीवर भी इसमें काफ़ी अच्छा बड़ा दिया गया है, और 5 गियर आपको इसमें जो है मिलने वाले हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो जी ये था फिलहाल कम्प्लीट इस 610 टिपर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से हर एक चीज़ के बारे में पता चल गया होगा। बाकी कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन इस टिपर के बारे में लेनी है या इसे खरीदना चाहते हो तो आप फेयरडील मोटर्स नलवाल जम्मू में आ सकते हो, और इस टिपर के बारे में और भी अच्छे से जान सकते हो, या फिर डाउन पेमेंट रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप इनसे क्लैरिफाई कर सकते हो। बाकी आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अपने भाइयों को जो आगे शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे तब तक के लिए अगली वीडियो में। बाय बाय।